कैसे कटी राते दिन कैसे रे मिलेंगे तुमसे। तो दोस्तों फिर भी जिस तरह स्टेटस को देखा है, इस तरह स्टेटस आप भी बनाना चाहते हो वीडियो क्लिप देखे कि किसी और का फोटो देखे, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। एकदम सिंपल है इस तरह स्टेटस बनाना, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। और वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे इस चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगता है खराब लगता है कमेंट भी कर दीजिए। और वीडियो बनाने में कोई भी परेशानी आए तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और मेरे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैं जो फोटो पीएनजी जो कुछ मैं यूज करने वाला हूँ सभी आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। और जो मैं इफेक्ट फोन यूज करने वाला हूँ सभी जिस मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो उधर से डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस स्टेटस को बनाने के लिए एलआईडी मोशन ऐप को ओपन करना होगा, तो मैं एलआईडी मोशन ऐप को ओपन कर लेता हूँ। तो देख सकते हो मैं एलआईडी मोशन ऐप को ओपन कर लिया हूँ, तो आप एलआईडी मोशन ऐप को ओपन कर लेना। और एलआईडी मोशन में आने के बाद यहाँ पर जो प्रोजेक्ट ऑप्शन है प्रोजेक्ट ऑप्शन को टच करना, और जो सॉन्ग बिटमार प्रोजेक्ट और जो इफेक्ट प्रोजेक्ट है ये दोनों प्रोजेक्ट को मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना। और ये दो प्रोजेक्ट को कैसे डाउनलोड करते हैं वो अगर नहीं जानते हो तो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक वीडियो लिंक देखने को मिल जाएगा बिटमार्क को कैसे डाउनलोड करना है, तो उस वीडियो को देख लेना तो समझ में आ जाएगा ये दो प्रोजेक्ट को कैसे डाउनलोड करते हैं। तो सबसे पहले देखो जो सॉन्ग बिटमार्क प्रोजेक्ट है इसको ओपन करना होगा। तो इस प्रोजेक्ट में आने के बाद इस प्रोजेक्ट का इंटरफेस कुछ इस तरह आपको देखने को मिल जाएगा। देख सकते हो यहाँ पर जो बीट है ये बीट के हिसाब से आपको वीडियो क्लिप ऐड करना होगा और लिरिक्स भी लिखना होगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, देखो फर्स्ट में आपको आना होगा फर्स्ट बीट में, और फर्स्ट बीट में आने के बाद यहाँ पर आपको वीडियो क्लिप ऐड करना होगा। टोटल 7 वीडियो क्लिप ऐड करना होगा, और ये 7 वीडियो क्लिप है मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो उधर से डाउनलोड कर लीजिए। तो सबसे पहले देखो प्लस ऑप्शन को टच करना, मीडिया ऑप्शन में आ जाना, और यहाँ पर जो वीडियो क्लिप है ये वीडियो क्लिप को आप लोग ऐड कर लेना। देखो ये वाला वीडियो क्लिप को ऐड कर लेना, तो आप लोग अपने हिसाब से ऐड कर लेना। मैं आपको ये 7 वीडियो क्लिप दे दूंगा। तो सबसे पहले देखो फर्स्ट जो वीडियो क्लिप है, तो देखो हमारा जो फर्स्ट वीडियो क्लिप है वो ऐड हो चुका है। तो इसको सबसे पहले एकदम फर्स्ट में ले आएंगे और ये ऑप्शन यहाँ पर टच करेंगे, तो देखो फर्स्ट जो हमारा वीडियो क्लिप है वो ऐड हो चुका है। तो ये जो बीट है अगला बीट में आ जाना, और ये बीट में आने के बाद ये बीट के बराबर कर लेना ये वीडियो क्लिप को, देखो ऐसे करके, तो ऐसे कर लेना। उसके बाद फिर से प्लस ऑप्शन को टच करना, मीडिया ऑप्शन में आ जाना, और फिर से और एक वीडियो क्लिप को ऐड कर लेना। उसके बाद दोस्तों वीडियो क्लिप लेयर को टच करना, अगला बीट में आ जाना, और ये ऑप्शन यहाँ पर टच करके एकदम बीट के बराबर कर लेना, ऐसा कर लेना सबसे पहले। और जो वॉल्यूम ऑप्शन है वॉल्यूम ऑप्शन को टच करके यहाँ पर जितने सारे वीडियो क्लिप रहेगा उस वीडियो का वॉल्यूम म्यूट कर देना। तो ऐसा करके सबसे पहले आप लोग वीडियो क्लिप को ऐड कर लेना, और ऐड करने के बाद दोस्तों देखो यहाँ पर जो रेक्टेंगल है इसको सबसे पहले ऊपर रखना होगा, और ये जो इमोजी लेयर है इसको भी सबसे ऊपर रख देना, कुछ इस तरह कर लेना। और ऐसे करके सबसे पहले वीडियो क्लिप को आप लोग ऐड कर लेना। तो वीडियो क्लिप में ऐड करने के बाद आपको दिखाता हूँ लिखने के लिए। सॉन्ग को सबसे पहले आप लोग प्ले करके सुन लेना, तो देखो मैं आपको थोड़ा सुना देता हूँ, तो आप लोग ठीक से सुन लेना सॉन्ग को। और सॉन्ग को ठीक से सुनने के बाद दोस्तों प्लस ऑप्शन को टच करना, डबल टेक्स्ट में आ जाना, और इधर से सॉन्ग लिरिक्स को लिख लेना। तो मेरा पहले से लिखा है उधर से कॉपी करके मैं यहाँ पर पेस्ट करने वाला हूँ। तो देखो मैं देखो मैं नोटपैड ऐप में आ चुका हूँ, और इसमें आने के बाद दोस्तों फर्स्ट जो लाइन है, तो देखो दोस्तों ये जो लिरिक्स है ये लिरिक्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, उधर से कॉपी कर लेना और नोटपैड ऐप में सबसे पहले पेस्ट करके रख लेना, और फर्स्ट जो लाइन है वो कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद फिर से एलआईडी मोशन में आ जाना, और एलआईडी मोशन में आने के बाद दोस्तों देखो यहाँ पर जो डबल टेक्स्ट ऑप्शन है ये ऑप्शन में आ जाना, और यहाँ पर पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर जो ऑप्शन है ये वाला ऑप्शन को टच करना होगा, और ऑटो रेगुलर ऑप्शन में आना होगा, और जो फोन है ये फोन को सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पर जो 18 पीडी ऑप्शन है यहाँ पर टच करके इसको कम कर लेना, 16 पीडी कर लेना। उसके बाद यहाँ पर जो बॉक्स यहाँ पर टच करना होगा, और इधर से व्हाइट कलर को सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद ये जो ग्रीन डॉट है ऐसे करके खींच लेना, दो बार टिक ऑप्शन को टिक करना होगा, और मूव वाला ऑप्शन को टच करना होगा। देखो यहाँ पर जो मूव वाला ऑप्शन है यहाँ पर टच करना, और ऐसे करके मूव कर लेना, देखो ऊपर की तरफ ऐसे करके मूव कर लेना, और यहाँ पर रख लेना। उसके बाद एक बार बैक हो जाना, लास्ट में आ जाना, लास्ट में आने के बाद यहाँ पर जो ऑप्शन है यहाँ पर टच कर देना, और ये जो बीट है ये बीट के हिसाब से ये लेयर को मिडल कट कर लेना ऐसे करके। देखो
तो ऐसा करके मिल कट कर लेना। मिल कट करने के बाद हमारा जो फर्स्ट जो लिरिक्स है वो तो ऐड हो चुका है, तो सेकंड लिरिक्स लिखेंगे। तो सेकंड लिरिक्स लिखने के लिए सॉन्ग को दोबारा प्ले करके सुन लेना, तो सॉन्ग को ठीक से आप लोग सुन लेना। उसके बाद लिरिक्स लेयर को टच करना, डबल एडिट टेक्स्ट में आ जाना और इसको पहले हट देना। हटाने के बाद फिर से नोटपैड ऐप में आ जाना और सेकंड जो लाइन है वो कॉपी कर लेना। उसके बाद फिर से एड मोशन में आ जाना और यहाँ पर पेस्ट कर देना। तो पेस्ट करने के बाद टिक करना। टिक करने के बाद दोस्तों और कुछ भी यहाँ पर छेड़खानी नहीं करना आपको। आपको क्या करना होगा इसमें इफेक्ट, तो ऐसा करके सबसे पहले आप लोग सारे जो लिरिक्स लेयर है उसमें लिरिक्स को चेंज कर लेना। और चेंज करना हो जाने के बाद दोस्तों इसमें इफेक्ट देंगे। तो इसमें इफेक्ट देने के लिए आपको क्या करना होगा, एक बार बैक हो जाना और यहाँ पर जो देखो इफेक्ट प्रोजेक्ट है इसमें आपको आना होगा। इफेक्ट प्रोजेक्ट में आने के बाद यहाँ पर जो मेरा नाम का जो लेयर है ये लेयर को आपको टच करना होगा। इफेक्ट ऑप्शन में आना होगा, थ्रेड को टच करना होगा और कॉपी इफेक्ट करना होगा। उसके बाद दोस्तों बैक हो जाना और यहाँ पर जो सॉन्ग बीट मार प्रोजेक्ट है इसमें आना होगा। तो इसमें आने के बाद यहाँ पर जो लिरिक्स है देखो यहाँ पर जितने सारे लिरिक्स है ये सभी लिरिक्स में ये इफेक्ट को पेस्ट करना होगा। तो लिरिक्स में इफेक्ट देने के लिए लिरिक्स लेयर को टच करना है, इफेक्ट ऑप्शन में आ जाना, थ्रेड को टच करके पेस्ट इफेक्ट कर देना। तो ऐसा करके देखो लिरिक्स को सबसे पहले दे देना और देखो ऐसा करके सबसे पहले दे देना और इफेक्ट देना कंप्लीट हो जाने के बाद दोस्तों इधर एक पिंज बॉर्डर को ऐड करेंगे। तो उसके लिए प्लस ऑप्शन को टच करना, मीडिया ऑप्शन में आ जाना और ये जो पिंज बॉर्डर है ये पिंज बॉर्डर को ऐड करना होगा। तो ये वाला पिंज बॉर्डर को ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद लास्ट में आपको आना होगा, ये जो ऑप्शन यहाँ पर टच करना होगा और ये जो पिंज बॉर्डर है ये मेरे टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा, उधर से डाउनलोड कर लेना। तो ऐसा करके दोस्तों सबसे पहले आप लोग बॉर्डर को ऐड कर लेना। उसके बाद अब क्या करना होगा, तो आप एक ब्लैक स्क्रीन वीडियो ऐड करेंगे। तो उसके लिए प्लस ऑप्शन को टच करना, मीडिया ऑप्शन में आ जाना और ये वाला ब्लैक स्क्रीन को ऐड कर लेना। उसके बाद लास्ट बीट में आपको आना होगा, लास्ट में आने के बाद बाकी का पार्ट कट करके हट देना ब्लैक स्क्रीन वीडियो का। उसके बाद वॉल्यूम ऑप्शन को टच करना होगा, वॉल्यूम को जीरो कर देना। उसके बाद देखो यहाँ पर जो ब्लेंडिंग ओपेसिटी ऑप्शन है यहाँ पर टच करना होगा, लाइटिंग ऑप्शन को टच करना और स्क्रीन कर देना। तो ऐसा करके सबसे पहले आप लोग ब्लैक स्क्रीन वीडियो को ऐड कर लेना। उसके बाद ये जो बॉर्डर है बॉर्डर को फिर से ऊपर ले जाना। तो ऐसे करके आप लोग वीडियो को बना लेना और वीडियो बनाना हो जाने के बाद इसको एक्सपोर्ट कर लेना। तो वीडियो को कैसे एक्सपोर्ट करना, देखो ऊपर जो शेयर ऑप्शन है यहाँ पर टच करना होगा और इधर से वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना। तो दोस्तों मेरा आज का वीडियो इतना था, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद।